खा रही हूँ, पुआ के साथ जलेबी है। लास्ट टाइम ब्रेकफास्ट करती हूँ मैं। हेलो यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक ब्लॉग में कि मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो गाइस इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था एमपी पुलिस का, जो कि मेरा कल है, तो मैं वो देने के लिए जा रही हूँ। तो आज निकल रही हूँ मैं देने के लिए, क्योंकि वो इंदौर में है तो कुछ टाइम पहले निकलना पड़ता है क्योंकि ट्रैवल में टाइम लगता है। तो कल है मेरा, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है, नर्वस भी हूँ मैं, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं दिया है एग्ज़ाम और मेरी प्रिपरेशन भी नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं वो देने में लगी थी और उन्हीं की तैयारी कर रही थी। फिर भी मैं देने जा रही हूँ क्योंकि मम्मी पापा बोल रहे हैं कि एक बार दे आओ, क्योंकि देने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है एग्ज़ाम देने से। तो हम दे के ट्राई कर लेते हैं एक बार, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने, तो मैं जा रही हूँ देने के लिए। अभी मेरी बस है तो बस के लिए निकल रही हूँ मैं। आप सब लोग मेरी वीडियो में बने रहना, मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, अभी मैं बस में हूँ और मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से, ग्वालियर से, और साथ में मेरे भैया जा रहे हैं। हेलो गाइस, एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, क्योंकि अकेले मैं कभी गई नहीं हूँ ना इतने दूर। अकेले सिर्फ मैं कॉलेज जाती हूँ और कुछ खाने पीने के लिए बाजार जाती हूँ बस, इसीलिए। तो अभी निकल चुकी हैं फिर। तो गाइस, लंबा सफ़र था तो रात में सोना पड़ा, उसके बाद ही सुबह हो गई है। अब मैं पहुँचने वाली हूँ इंदौर, तो बस उतरने वाली हूँ यहाँ से। तो गाइस, सुबह हो गई है, मैं बस में से उतर गई थी। उसके बाद भैया ने मैप में देखा कि जो यहाँ पे सेंटर पड़ रहा है ना, वो स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, तो मुझे पैदल चला रहे हैं, खुद चल रहे हैं, देखिए। और मैं थक गई हूँ, चलते चलते चल भी नहीं पा रही हूँ। तो गाइस, वो बच्चा पीछे मुड़ के देख रहा था साइकिल वाला। तो गाइस, अब मैं थक गई हूँ, चल भी नहीं पा रही हूँ। और तो भी भैया बोल रहे सुबह का टाइम है, थोड़ा वॉकिंग करो, कभी तो करती नहीं हो, बस बैठी रहती हूँ घर में। तो बस अब जा रहे हैं सेंटर पे, और ब्रश वगैरह कर लिया था मैंने। तो गाइस, ये कॉलेज नहीं, स्कूल है, ये विद्यालय लिखा है। तो गाइस, ये देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होने वाला है, तो लाइन लगी हुई है यहाँ पे। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम तो 12:30 बजे से है, बहुत पहले ही आ गए हैं, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ खा लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ लूँगी, फिर चली जाऊँ मैं एग्ज़ाम देने के लिए। मैं खा रही हूँ पुआ के साथ जलेबी है, लास्ट टाइम ब्रेकफास्ट करती हूँ मैं, आप लोग भी खा लीजिए। थोड़ी सी भूख लग रही थी मुझे, इतना नहीं था, कुछ खा लूँ पहले। अभी हम बैठे हैं गार्डन में, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, देखिए देखो, इतने सारे बच्चे आए हैं, भीड़ लगी है पेपर देने के लिए। ये है स्कूल, इसमें पेपर। तो गाइस, एग्ज़ाम दे के मैं आ गई हूँ, ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए मेरे, बट ठीक है, पढ़ाई नहीं की थी मैंने। ये देखिए, ये स्कूल है, मेरे आए 45 नंबर और मैं खुश लग रही हूँ, बट मुझे खुश नहीं होना चाहिए। तो गाइस, अब ये सेंटर था, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है और भूख लग रही है। सब लोग अपने अपने घर पे जा रहे हैं, देखिए बैग वैग टांग के आए हैं। तो गाइस, खाना मैंने खा लिया, बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, पेड़ों पेट फुल हो गया, खा रही हूँ। तो गाइस, इसके बाद हमारी बस है, तो बस कितने बजे की है? 7:30 की है, उसी से घर पे जाएंगे हम। तो
तो गाइस हम यहाँ पर खड़े होके अब बस का वेट कर रहे हैं जाने के लिए अपने घर, अपने शहर वापस। और तो गाइस मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा इंदौर में, बट मैं और भैया अकेले आए हैं। अगर मम्मी भी साथ में आई होती तो यहाँ पर घूमते, और बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए। ये देखिए बहुत अच्छा शहर है इंदौर, देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे हर तरफ। और अब बस का वेट कर रहे हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो अब मैं बैठ चुकी हूँ बस में, और बस आई थी 7 बजे, तो 7 बजे बैठी हूँ मैं, और अभी सुबह पहुँचेंगे। तो इंदौर से हम जा रहे हैं, बाय बाय इंदौर। और आप लोग जानते हो कि मध्य प्रदेश में सबसे साफ सफाई वाला शहर इंदौर है, और यहाँ पर बाकी में बहुत साफ सफाई है। देखिए देखिए ना नहीं यहाँ से आप लोगों को, और मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो गाइस अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा।